नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज के 14वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हमने परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक को आधार बनाया है। यदि आपको हमारी यह वीडियो सीरीज आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करती है, तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऐसे विद्यार्थियों तक हमारी इस सीरीज को पहुंचाएं जो आपकी ही तरह अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें कंप्यूटर को पूछा जाता है, ताकि अन्य विद्यार्थी भी हमारी इस वीडियो सीरीज का लाभ ले पाएं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए उन सभी एग्जाम्स में लाभदायक सिद्ध होगी जिसमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे प्रिंटर से, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। दोस्तों, कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है जो प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। हम सभी जानते हैं, यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, और जो भी प्रतिलिपि प्रिंटर कागज पर छापता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। आप ध्यान रखिए, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, तब आपको आंसर करना होगा ऐसा डिवाइस प्रिंटर है। दोस्तों, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी की माप DPI में हम करते हैं, और दोस्तों DPI का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। तो ध्यान रखिए, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट में परिवर्तित करता है, एवं प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता को हम डॉट पर इंच में मापते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रिंटर के वर्गीकरण की, किस किस प्रकार के प्रिंटर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, प्रिंटर का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण प्रिंट क्षमता के अनुसार, दूसरा वर्गीकरण प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। तो दोस्तों, यदि हम क्षमता के अनुसार प्रिंटर का वर्गीकरण करें तो इसमें शामिल है कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। दोस्तों, इसका विस्तार से वर्णन इस ही वीडियो में हम आगे करने वाले हैं। इसी प्रकार से यदि हम प्रिंट करने के तरीके के अनुसार प्रिंटर का वर्गीकरण करें तो प्रिंटर को इस प्रकार से हम दो भागों में बांटते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर को भी हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर। इसी प्रकार से दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को भी हम तीन भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। अब दोस्तों, एक एक करके हम प्रिंटर के सभी प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे प्रिंट क्षमता के आधार पर प्रिंटर के वर्गीकरण से, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कैरेक्टर प्रिंटर। दोस्तों, कैरेक्टर प्रिंटर ऐसे प्रिंटर को कहते हैं जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप प्रिंट लिखना चाहते हैं तो पहले प्रिंटर पी लिखेगा, फिर R, फिर I, फिर N, फिर T। तो इस प्रकार से एक एक कैरेक्टर को जो प्रिंटर प्रिंट करे उसे हम कहते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। इसके बाद हम बात करेंगे लाइन प्रिंटर की। यह प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है। दोस्तों, उम्मीद है अब आपको बातें स्पष्ट रूप से समझ में आने लगी होंगी। इसी प्रकार से दोस्तों, पेज प्रिंटर, यह एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। इस बात को आप ध्यान रखें। अब हम शुरुआत करेंगे प्रिंट करने के तरीकों के आधार पर प्रिंटर के वर्गीकरण की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर को। दोस्तों, अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रिंटर के प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर के वर्गीकरण की, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जिनमें प्रिंटिंग का कार्य हार्डवेयर पार्ट्स के कागज पर टकराने से होता है। दोस्तों, टकराने से आप बोल सकते हैं कागज पर जब हार्डवेयर पार्ट्स का इम्पैक्ट पड़ता है
या वो टकराते हैं। तो ऐसे प्रिंटर को जो इस प्रकार से कार्य करते हैं उनको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, जिनमें प्रिंटिंग कार्य हार्डवेयर पार्ट्स के कागज पर टकराने से होता है या हार्डवेयर पार्ट्स का कागज पर इम्पैक्ट करने से होता है, उनको हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों, प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान है। इम्पैक्ट प्रिंटर अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, लेकिन स्ट्राइकिंग एक्टिविटी के कारण इसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है। स्ट्राइकिंग एक्टिविटी मतलब जब भी आप कागज पर इम्पैक्ट प्रिंटर से कुछ टाइप करते हैं तो दोस्तों हार्डवेयर पार्ट्स कागज पर टकराते हैं, जिससे कि शोर उत्पन्न होता है। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार की। दोस्तों, यहाँ पर चार प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर को आपके लिए बताया जा रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर धीमी गति वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। क्वेश्चन सीधा बनेगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की क्षमता कैसी है? दोस्तों, तो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं घूमता है। आपको याद रखना है दोस्तों, लेफ्ट से राइट एक प्रिंट हेड होता है जो लेफ्ट से राइट घूमता है, और यह अर्थात डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर को उभारते हैं। दोस्तों, इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती हैं। दोस्तों, डॉट मैट्रिक प्रिंटर में आप कागज के बीच में कार्बन लगा के कई सारे कार्बन और कई सारे कागज एक साथ समायोजित करके आप एक बार में कई सारी प्रतियां डॉट मैट्रिक प्रिंटर में बना सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है दोस्तों आपके लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, और दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इसका प्रिंटिंग हेड लेफ्ट से राइट दायां से अर्थात बाएं से दाएं घूमता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। दोस्तों, डॉट की सहायता से ग्राफ और रेखा चित्र भी डॉट मैट्रिक प्रिंटर में उकेरे जा सकते हैं। इसका प्रारंभिक मूल्य और प्रति कापी खर्च कम होता है, परंतु प्रिंट की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे ड्रम प्रिंटर की। दोस्तों, ड्रम प्रिंटर में इलेक्ट्रिकल ड्रम होता है जिस पर कैरेक्टर उभरे हुए होते हैं। ड्रम को बहुत तेज स्पीड से घुमाया जाता है, जिससे मैग्नेटिक रूप से चलने वाला हैमर के स्ट्राइक करने से प्रिंट हो जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ड्रम प्रिंटर में इलेक्ट्रिकल ड्रम होता है जिस पर कैरेक्टर उभरे हुए होते हैं, और जब हम इस ड्रम को बहुत तेज गति से घुमाते हैं इससे मैग्नेटिक रूप से चलने वाले हैमर की स्ट्राइक या हैमर स्ट्राइक करता है कागज पर और प्रिंट हो जाता है। ड्रम की आकृति से यह प्रिंटर तेज गति से आवाज करने वाले और काफी महंगे प्रिंटर होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। अब तक हमने दो प्रिंटर की चर्चा करी, डॉट मैट्रिक और ड्रम प्रिंटर। अब हम चर्चा करेंगे डेजी व्हील प्रिंटर की। दोस्तों, यह सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसकी प्रिंट हेड में चक्र होता है जिसको हम व्हील कहते हैं। दोस्तों, डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन आउटपुट की स्पष्टता अच्छी होती है। इसका उपयोग पत्र पत्रिका में छापने में होता है, इसलिए यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहलाता है। ध्यान रखें दोस्तों, डेजी व्हील प्रिंटर सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके प्रिंट हेड में व्हील होता है। डेजी व्हील दोस्तों धीमी गति का तो है, लेकिन इसकी जो आउटपुट या जो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वह बहुत बढ़िया होती है, और इसका उपयोग हम पत्र पत्रिका छापने में करते हैं, जिस कारण से इसका नाम लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी बोला जाता है। तब तो आपको ध्यान रखना है ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसको लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। तब तो आपको याद रखना है ऐसा प्रिंटर है डेजी व्हील प्रिंटर। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं लाइन प्रिंटर पर। दोस्तों, यह तीव्र गति वाला प्रिंटर होता है जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। दोस्तों, नाम से ही समझ में आ रहा है, इस प्रिंटर की प्रिंट करने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। इसका उपयोग बड़ी औद्योगिक संस्थान में मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। फिर अब हम बात करेंगे दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड या कागज की मध्य संपर्क नहीं होता दोस्तों, आपको याद रखनी है। पहले हमने बात की थी इम्पैक्ट प्रिंटर की। इसमें दोस्तों प्रिंटिंग हेड और जो पेपर या कागज होता है उनके बीच संपर्क होता है। प्रिंटिंग हेड की इम्पैक्ट से कागज पर प्रिंट होता है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रिंटिंग हेड का इम्पैक्ट कागज पर नहीं पड़ता, अर्थात इनके मध्य संपर्क नहीं होता डायरेक्ट रूप से। इस बात को आप ध्यान रखें। इसमें केमिकल, इंक जेट और लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रिंट क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा अच्छी और तीव्र होती है। दोस्तों यह प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह शोर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड एवं जो पेपर या कागज के बीच कोई संपर्क नहीं होता। प्रिंटिंग हेड कागज पर प्रहार नहीं करता, जिससे आवाज भी नहीं आती। इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंक जेट प्रिंटर की। यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसका उपयोग रंगीन प्रिंटिंग के लिए करते हैं। इसमें नोजल के कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके अक्षर एवं ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, इंक जेट प्रिंटर में नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार की जाती है। इससे अक्षर एवं ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इसकी गति धीमी होती है। यह 1 मिनट में 1 से 20 पेज तक निकाल सकता है। अब हम बात करेंगे लेजर प्रिंटर की। दोस्तों लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। दोस्तों अभी हम साथ में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। हमने एक साथ देखा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को 3 प्रकार के, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। लेकिन जब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन यदि आप चीज़ों को समझ लेते हैं, तब आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है लेजर प्रिंटर, तो दोस्तों लेजर प्रिंटर में प्रिंट लेजर के माध्यम से होगा, ना कि प्रिंटिंग हेड या हैमर के कागज पर टकराने से। जब कोई चीज़ टकराएगी नहीं, हार्डवेयर है जो, तो उससे इम्पैक्ट होगा नहीं, आवाज़ भी नहीं आएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। दोस्तों इंकजेट प्रिंटर, यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं टकरा रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इसमें नोजल के द्वारा हम स्याही की बूंदों की बौछार करते हैं। कहने का मतलब है प्रिंटिंग हेड और कागज की मध्य जिनमें संपर्क नहीं होगा, उनको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे। लेजर प्रिंटर में हमने देखा यह भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी गति तेज और क्वालिटी अच्छी होती है। इस प्रिंटर में कॉर्टेज का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर सूखी स्याही, जिसे हम टोनर कहते हैं, भरी हुई होती है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, थर्मल प्रिंटर की। दोस्तों इसमें प्रिंटिंग का कार्य ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा किया जाता है। इसकी प्रिंटिंग ज़्यादा समय तक नहीं टिकती, कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मिट जाता है। इसका उपयोग शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, फैक्स मशीन और ATM में किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी ATM से हम स्लिप निकालते हैं, हल्की सी गर्म होती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लॉटर की। दोस्तों प्लॉटर भी प्रिंटर की ही तरह हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। बस फर्क इतना होता है कि इसका प्रयोग बड़े चित्र, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कई विद्यार्थियों को प्रिंटर और प्लॉटर में कन्फ्यूजन होता है, तो दोस्तों आप यहां से वह कन्फ्यूजन दूर कर लें। प्लॉटर भी प्रिंटर की ही तरह हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। बस अंतर आता है कहाँ, जब आपको बड़े चित्र, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि प्रिंट करने होते हैं। आपने बैनर्स देखे होंगे, होर्डिंग्स देखे होंगे बड़े बड़े, उस जगह पर हम प्लॉटर का उपयोग कर सकते हैं। यह 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ड्रम पेन प्लॉटर, जिसको हम रोलर प्लॉटर कहते हैं, और फ्लैट बेड प्लॉटर। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस प्रकार से हमने प्रिंटर को कंप्लीट किया। अब हम चर्चा करेंगे स्क्रीन प्रोजेक्टर की। दोस्तों यह एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहे चित्रों तथा सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाता है। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, फिल्म प्रदर्शन तथा एनिमेशन वीडियो में किया जाता है। आपने देखा होगा इस प्रकार से प्रोजेक्टर लगा होता है, और जो दीवार पर लगे पर्दे पर हमारे लिए चित्र या मूवी को दिखाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मॉडेम की। दोस्तों मॉडेम 2 शब्दों से मिलकर बनता है, MODEM। MO का मतलब मॉड्यूलेटर, DEM का मतलब डीमॉड्यूलेटर। इसके कार्य से ही इसका नाम मॉडेम रख दिया गया। दोस्तों मॉडेम के माध्यम से जब हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करते हैं, तब इस प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं।
डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया डीमॉड्यूलेशन। यहाँ लिखा हुआ है एनालॉग टू डिजिटल अर्थात डीमॉड्यूलेशन। दोस्तों मॉडेम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का संक्षिप्त रूप है, जो इन दो शब्दों से हम इसकी कार्य प्रणाली को समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को ध्वनि में बदल देते हैं। दोस्तों यह कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी इत्यादि में सेव ऑडियो जैसे गाने, वीडियो से इलेक्ट्रिक सिग्नल को लेते हैं एवं उन्हें ऑडियो में तब्दील कर देते हैं। अब दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो स्पीकर होता है वह इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑडियो फाइल में, गानों में परिवर्तित कर देता है जिनको हम सुन सकते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखें, स्पीकर मॉनिटर के बाहर और अंदर हो सकते हैं। यदि अंदर है स्पीकर तो आप बाहर एडिशनल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर यह करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे हेडफोन की। हेडफोन स्पीकर के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है, इसे ईयरफोन भी कहते हैं। इसका उपयोग म्यूजिक सुनने, टेलीफोन ऑपरेटर, कॉमेंट्रेटर, कॉल सेंटर आदि में किया जाता है। अब हम एक बार वेन डायग्राम के माध्यम से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों वेन डायग्राम से इसलिए क्योंकि कुछ डिवाइस इनपुट होते हैं, कुछ डिवाइस आउटपुट होते हैं, लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे भी होते हैं जो इनपुट एवं आउटपुट दोनों की भूमिका में होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, कुछ डिवाइस आउटपुट इनपुट दोनों में शामिल होते हैं, जैसे मॉडेम, एटीएम, फैक्स मशीन आदि। तो देखते हैं दोस्तों, एक साइड दोस्तों इनपुट डिवाइस का है, एक साइड आउटपुट, और जो बीच में सेक्शन है जिसको मैंने शेड किया हुआ है वह इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस का है। तो दोस्तों माउस, कीबोर्ड, ट्रैक पॉल, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइसेस में आते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों टच स्क्रीन, फैक्स और मॉडेम, दोस्तों इनको हम इनपुट आउटपुट दोनों में शामिल करते हैं। दोस्तों आप इस प्रकार से समझ सकते हैं टच स्क्रीन को कैसे इनपुट आउटपुट दोनों हुआ। जैसे आपके फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर में टच स्क्रीन वाला ऑप्शन फीचर है, तो आप वहां देखते हैं आप टच स्क्रीन पर मोबाइल या कंप्यूटर को निर्देश भी देते हैं और उसी स्क्रीन पर आप उसका आउटपुट भी प्राप्त करते हैं। इसलिए दोस्तों हम इन डिवाइसेस को दोनों में शामिल करते हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने चर्चा करी प्रिंटर एवं कुछ दूसरे आउटपुट डिवाइसेस की और कुछ इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस की। तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं किन किन बिंदुओं पर हमने इस वीडियो में चर्चा करी। सबसे पहले हमने प्रिंटर को देखा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जो जानकारी है उसको कागज पर छाप देता है। कागज पर आउटपुट की है प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। दोस्तों प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है, और प्रिंटर की गुणवत्ता का मापना DPI डॉट पर इंच में करते हैं। फिर हमने वर्गीकरण देखा था। प्रिंटर को हम दो आधार पर बांटते हैं, क्षमता के आधार पर और प्रिंट करने के तरीके के आधार पर। क्षमता के आधार पर कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। प्रिंट करने के तरीके के आधार पर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को दो भागों में बांटा, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील। नॉन इम्पैक्ट को दोस्तों हमने थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर में बांटा। इसके बाद फिर हम आए प्रिंट क्षमता के आधार पर प्रिंट के वर्गीकरण पर, जिसमें कैरेक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक कैरेक्टर लिखता है, लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन लिखता है, पेज प्रिंटर एक बार में पूरा पेज लिखता है, हमने इसकी चर्चा करी। फिर हम आए प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर के वर्गीकरण पर, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी इम्पैक्ट प्रिंटर की, जिसमें हमने देखा था ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग का कार्य हार्डवेयर पार्ट्स के कागज पर टकराने से करते हैं, अर्थात हार्डवेयर पार्ट्स का कागज पर इम्पैक्ट होता है, ऐसे प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, हमें यह कहना चाहिए। दोस्तों प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटर के जैसी होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर सस्ते होते हैं, स्टाइपिंग एक्टिविटी के कारण दोस्तों इसमें अधिक शोर होता है, हमने यह चर्चा करी थी। फिर हमने बात करी थी इम्पैक्ट प्रिंटर के वर्गीकरण की, जिसमें चार प्रकार से हमने इनको बांटा था। सबसे पहले बात की थी डॉट मैट्रिक की। दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर होता है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें प्रिंटिंग हेड बाएं से दाएं घूमता है। दोस्तों प्रिंटिंग हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े लगे होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर को उभारते हैं।
दोस्तों डॉट मैट्रिक्स में कार्बन की सहायता से हम एक बार में कई प्रतियां उभार सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स की सहायता से ग्राफ और रेखाचित्र भी बनाए जा सकते हैं। हमने इसकी भी चर्चा करी थी। फिर हमने इसकी बात करी थी कि इसका प्रारंभिक मूल्य एवं प्रति कापी खर्च बहुत कम होता है, किंतु गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती। फिर हम आए थे ड्रम प्रिंटर पर। दोस्तों हमने बात करी थी इसमें ड्रम प्रिंटर में इलेक्ट्रिकल ड्रम होता है जिस पर करेक्टर उभरे हुए होते हैं और ड्रम बहुत तेज गति से घूमता है जिससे मैग्नेटिक रूप से चलने वाला हैमर्स के स्ट्राइक से प्रिंट हो जाता है। दोस्तों ड्रम की आकृति से यह प्रिंटर तेज गति से आवाज करने वाले प्रिंटर होते हैं और यह प्रिंटर काफी महंगे होते हैं। फिर हमने बात करी थी डेजी व्हील प्रिंटर की। इसमें हमने देखा था सॉलिड फॉन्ट वाला इंपैक्ट प्रिंटर है। इसकी प्रिंटिंग हेड में चक्र या व्हील होता है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है लेकिन इसकी आउटपुट की क्वालिटी बहुत बेटर होती है। दोस्तों पत्र पत्रिकाओं को छापने में डेजी व्हील प्रिंटर का उपयोग किया जाता है जिस कारण से हम इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। फिर हमने देखा था इम्पैक्ट प्रिंटर में ही लाइन प्रिंटर को। दोस्तों लाइन प्रिंटर तीव्र गति वाला प्रिंटर होता है जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। इसकी प्रिंट करने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। बड़ी औद्योगिक संस्थाओं में मेन फ्रेम कंप्यूटर में हम लाइन प्रिंटर का उपयोग करते हैं। फिर हम आए थे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पर। इसमें हमने बात करी थी कि इस वाले प्रिंटरों में प्रिंटिंग हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता। इसमें केमिकल इंक लेजर तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटर से अच्छी होती है और शोर इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता इसकी चर्चा विस्तार में हमने कर ली थी। इसके तीन प्रकार होते हैं इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। सबसे पहले हमने देखा था इंक जेट प्रिंटर। इसका उपयोग रंगीन प्रिंटिंग के लिए करते हैं। दोस्तों इंक जेट प्रिंटर में नोजल जो होता है उसके अंदर, उसमें कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार कराई जाती है जिससे अक्षर एवं ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। नोजल से दोस्तों बौछार होती है स्याही की किस चीज़ पर, कागज पर, जिससे क्या होता है प्रिंट होते हैं अक्षर एवं ग्राफिक्स। दोस्तों इंक जेट प्रिंटर की गति थोड़ी सी धीमी होती है। 1 मिनट में 10 से 20 प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर हम आए थे लेजर प्रिंटर पर। इसमें हमने देखा था यह फोटोकॉपी के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी गति तेज होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। इस प्रिंटर में कॉर्टेज का प्रयोग किया जाता है। कॉर्टेज के अंदर सूखी स्याही होती है, इसको हम टोनर भी कहते हैं। फिर हम आए थे थर्मल प्रिंटर पर। हमने इसमें बात की थी कि इसमें प्रिंटिंग का कार्य ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा किया जाता है। इसकी प्रिंटिंग ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। जो प्रिंट किया हुआ मैटर होता है वह कुछ समय बाद मिट जाता है। इसका उपयोग हम शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, फैक्स मशीन, एटीएम आदि में करते हैं। फिर हमने बात करी थी प्लॉटर की। दोस्तों प्लॉटर कुछ नहीं होता, प्रिंटर की ही तरह हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। अंतर इतना होता है कि प्रिंटर को हम छोटे छोटे पेजेस में प्रिंट करते हैं प्रिंटर से, लेकिन प्लॉटर में हम बड़े चित्र, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि को प्रिंट करते हैं। यह 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। कौन? प्लॉटर। दोस्तों प्लॉटर के हमने दो प्रकार देखे थे, डम्प पेन प्लॉटर जिसको हम रोलर प्लॉटर भी कहते हैं और फ्लैट बेड प्लॉटर। इसके बाद हमने दोस्तों चर्चा की थी प्रिंटर की, चर्चा खत्म करने के बाद स्क्रीन प्रोजेक्टर की। दोस्तों स्क्रीन प्रोजेक्टर सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले चित्रों, सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाता है। टॉकीज में आपने देखा होगा और प्रोजेक्टर को भी आपने क्लासेस में लगा देखा होगा। फिर हम आए थे मॉडेम पर जिसका नाम होता है, मतलब दो शब्दों से मिलकर बनता है, MODEM। MO मतलब मॉड्यूलेशन, DEM मतलब डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। दोस्तों मॉडेम के माध्यम से जब हम डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉडेम के माध्यम से जब हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। इसकी चर्चा हमने करी थी। मॉडेम दोस्तों इन्हीं दो से मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का संक्षिप्त रूप है जो इसकी कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम आए थे स्पीकर पर। दोस्तों स्पीकर कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को ध्वनि में बदल देता है। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, जहां पर भी आपने ऑडियो फाइल सेव किया है वहां से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को लेता है और ऑडियो में बदल देता है। स्पीकर मॉनिटर के बाहर अंदर हो सकते हैं। फिर हमने हेडफोन की चर्चा करी थी। हेडफोन स्पीकर के स्थान पर प्रयोग होने वाला आउटपुट डिवाइस है, इसे हम ईयरफोन भी कहते हैं। दोस्तों यूजुअली हम जानते हैं हेडफोन जो ऐसे सिर के ऊपर से होते हुए जाते हैं, एवं ईयरफोन हम बोलते हैं जो हम सीधे कान में डायरेक्ट लगा लेते हैं इस तरीके से, है ना।
इनका उपयोग म्यूजिक, ये सारी चीजें आपको पता ही हैं। फिर हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस को कैटेगराइज किया था वेन डायग्राम के माध्यम से। कुछ डिवाइसेस हैं जो इनपुट डिवाइस हैं, कुछ डिवाइसेस हैं जो आउटपुट डिवाइस हैं, कुछ डिवाइस हैं जो दोनों का काम करते हैं, जैसे टच स्क्रीन, फैक्स और मॉडेम। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करी। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जो आपकी तरह किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी हमारी इस वीडियो सीरीज का लाभ ले पाएं। तो दोस्तों लगातार मेहनत करें, बने रहें हमारे साथ, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।